तो हम अपने अगले स्टूडेंट जिसका नाम है सुभाष कुमार उसको बुलाना चाहते हैं जो कि इसी साल 2023 में जिनका सिलेक्शन हो। तो आइए सुभाष जी। कुछ रही। सबसे पहले सुभाष जी को स्वागत किया जाए हमारे यहाँ फूलों माला से। इनका सिलेक्शन हुआ है काफी सराहनीय बात है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बात होता है कि सिलेक्शन का तैयारी करवाना और करना ये दोनों अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बता दीजिए आपका नाम क्या है। मेरा नाम सुभाष कुमार है। सुभाष कुमार, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर गाछी टोला मानार वैशाली। यानी आप मानार लोकल से ही है। चलिए ठीक है, आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? आर्टिलरी सेंटर नासिक। आर्टिलरी सिलेक्शन नासिक में हुआ। नासिक कहाँ पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र। चलिए ठीक है, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? हम यही बोलना चाहेंगे से आइए राजीव सर के पास, अच्छा तैयारी कराया जाता है यहाँ पे। मतलब स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत टीचर करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर, बस यही कारण है कि यहाँ सिलेक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि कितना मेहनत आप तो करते ही होंगे, सर कितना मेहनत आपके लिए करते हैं? हमसे ज्यादा मेहनत सर करते हैं और यही सबसे बड़ा अहम योगदान होता है कि स्टूडेंट से ज्यादा जब टीचर मेहनत करने लगता है तो सिलेक्शन अपने आप होता है। तो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी मेहनत करना चाहिए और करते हैं तभी सिलेक्शन हो पाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे आने वाले अग्निवीरों के लिए? हम बोलेंगे यहाँ आइए, अच्छा तैयारी कराया जाता है यहाँ पे, बेहतरीन तैयारी कराया जाता है। बस सर का बस टाइम लगता है ना, वो ज्यादा देर पढ़ाते हैं, इसके वजह से बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। मेरा फ्रेंड भी था एक, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा था इसके वजह से। मतलब सर जो काफी लंबा क्लास रखते हैं इसी वजह। अच्छा, ये तो आप ही के लिए रखा जाता है जो भी लंबा क्लास है जो सर हमारे पढ़ाते हैं राजीव सर, तो आप ही के लिए पढ़ाते हैं कि लंबा क्लास होगा तो आपको बेनिफिट होगा। लड़का लोग कुछ चला जाता है तो उस लड़का को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम बोलना चाहेंगे आपके सामने नतीजा है पूरा। देखिए, इनका कहना है कि अगर सर लंबा पढ़ाते हैं तो आप ही के लिए नतीजा आपके पास है। जो लड़का यहाँ से जो आपके साथ था जो नहीं पढ़ा उसका क्या हाल है यार? उसका अभी नहीं आया, मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। देखिए, थोड़ा सा मेहनत यह भी था, इसका मित्र भी था, अगर दोनों साथ रहता तो आज वो लड़का भी यहाँ पर होता, यही ना बात कर रहे हैं। हाँ सर। चलिए, और क्या हमारे सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत हद से ज्यादा अच्छा है। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसा क्या सर में आप देखें कि आप यहाँ पर हैं? सर मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो हल्का से हल्का सॉल्व करके उसको बता देते हैं, यानी सर बड़ा खूबसूरत तरीका से, खूबसूरत तरीका से पढ़ाते हैं। सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था या सिर्फ कौन कौन सब्जेक्ट आप यहाँ पे? होता था मैथ, जीके और जीएस भी होता था, उसके बाद रीजनिंग भी होता था। आर्मी सिलेबस पूरा होता था, मतलब आर्मी का प्रॉपर सिलेबस जो भी सिलेबस बना पूरा फॉलो किया जाता था। चलिए, अब जाते जाते हमारे कुछ स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि हाँ ऐसे करिए आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। आप अपने सफलता में से क्या ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो फॉलो करे तो आगे भी वह सिलेक्शन ले? बस मेहनत करते रहो, बस यही करना है, बस मेहनत करते रहो आराम से। ऐसा नहीं है कि से नहीं होगा, फिर अब तो ऑनलाइन एग्जाम कर दिया पहले, तो रनिंग से ज्यादा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। यह वीडियो खासकर इसलिए बनाया गया है कि अब जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस चेंज कर दिया गया है, पहले एग्जाम होगा उसके बाद वाला का आपका दौर होगा। तो अगर एग्जाम का आप सही दिशा में तैयारी करना चाहते हैं तो जितना जल्द हो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इन छात्र से आपसे मिलकर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं और मिलाते हैं हम आपको अगले स्टूडेंट से।